हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजू तात्ती एंड प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल आई ट्रैक हिंदी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू क्रिएट ए सैलरी शीट इन एक्सेल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि बहुत ही आसानी से मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज एक्सेल का पार्ट टू है क्योंकि पार्ट वन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड दे चुका हूँ। पार्ट वन में मैंने मार्कशीट बना के रखा हूँ। आप मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए और उस वीडियो के लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके आप मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से वो भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सैलरी शीट के लिए हमें ओपन करना होगा एक्सेल। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेम भर के रखा है, आईडी नंबर भर के रखा है, डेजिग्नेशन करके रखा है, बेसिक सैलरी डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी पीएफ, नेट पे, अटेंडेंस, मंथली सैलरी, एनुअल और बोनस भी मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो आप भी ये अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम टाइप किया, उसके बाद आईडी नॉन्ग, उसके बाद डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। अभी सलमान खान जो है मैनेजर की पोस्ट में है, शाहरुख खान जो है असिस्टेंट मैनेजर है, आमिर खान जो है स्टाफ में है, अक्षय कुमार साफ स्टाफ है, करीना कपूर जो है सिक्योरिटी है, कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी ये सब है सिक्योरिटी। ठीक है, तो सलमान खान जो है मैनेजर की पोस्ट में है, उसका बेसिक सैलरी है 1000 रुपीज़। ठीक है, और शाहरुख खान जो है असिस्टेंट मैनेजर है, उनका बेसिक सैलरी 800। अभी हमें उनका डीए निकालना है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये भी आपको कंपनी की तरफ से ही दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको टाइप करना है इक्वल, ब्रैकेट ओपन करना है, बेसिक सैलरी आपको एंटर करना है और बेसिक सैलरी जो है वो डी के लाइन पे है। ठीक है, उसके बाद किनका निकालना है, सलमान का। सलमान 3 नंबर सेल पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी कंपनी आपको डीए कितना देंगे ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी कंपनी आपको 15% देंगे तो इस तरह से आप करेंगे 15%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो 10,000 के हिसाब से आपका डीआरएनएस अलाउंस जो है 150 रुपीज़ में आएगा। ठीक है, उसके बाद शाहरुख खान के निकालते हैं, इक्वल देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी टाइप करेंगे, डी के साथ 4 टाइप करेंगे क्योंकि डी 4 मतलब शाहरुख खान का बेसिक सैलरी इनटू 15%, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो इस तरह से हम ये निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एचआरए मतलब हाउस रेंट। तो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपके आपको हाउस रेंट कितना परसेंट देगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंपनी आपको हाउस रेंट 10% देंगे तो किस तरह से निकालेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद D3 सलमान खान का बेसिक सैलरी इनटू, मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपको 10% हाउस रेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो एंटर करेंगे, शाहरुख खान के भी निकालते हैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, D4 इनटू 10%, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। और अभी मैं इनको शॉर्टकट में निकाल लेता हूँ। ठीक है, ग्रोथ सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीआरएनएस अलाउंस और एचआरए हाउस रेंट, तीनों को जोड़ के कितना होता है उसी को कहा जाता है ग्रोथ सैलरी। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी ने मैनेजर की पोस्ट के लिए सलमान खान को बुलाया
ठीक है। और सलमान खान को बोला कि आपको मैं एक दिन का पगार जो है मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा, और साथ में डीआरएनएस अलाउंस भी दूंगा, डीए भी दूंगा 15%, तो उसके हिसाब से 150 रुपया होता है, 150 रुपीज़ होता है, और साथ में दूंगा मैं आपको हाउस रेंट का चार्ज भी मैं आपको दूंगा, तो इसके हिसाब से 100 होता है। तो ये तीनों जोड़ के सलमान खान का कितना ग्रोथ सैलरी होता है एक दिन का, वही निकाला जाता है। ग्रोथ सैलरी का मतलब यही है, ठीक है। तो इक्वल देंगे और टाइप करेंगे SUM साम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें प्लस करना है, D3 मतलब सलमान खान का बेसिक सैलरी, कॉलम्स उसके बीच का, और F3, क्योंकि F3 इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ से लेके D कलम से लेके HF कलम तक हमें जोड़ना है, ठीक है, इसलिए बीच में कलम दिया। D3 से लेके F3 यहाँ तक हमें प्लस करना होगा, तब जाके निकलेंगे ग्रोथ सैलरी, ठीक है, एंटर। तो इसी हिसाब से हम शॉर्टकट इसको निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सलमान खान जी को कंपनी ने बताया कि मैं तो आपको PF भी दूंगा, और PF जो है मैं अपने हिसाब से, मैं अपने पैसे से नहीं दूंगा, मैं आपके पैसे, आपकी सैलरी से, आपकी पगार से मैं थोड़ा थोड़ा करके कट के रखूंगा, और जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब मैं आपको ये सारा का सारा पैसा आपको PF के हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। तो ग्रोथ सैलरी से हमें PF कट के रखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 12% कट के रखूँगा सलमान खान जी से, ठीक है, तो कैसे काटूंगा, इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, सलमान खान जी का ग्रोथ सैलरी जो है जी के लाइन पे है, G3 मतलब सलमान खान का ग्रोथ सैलरी इनटू इनटू 12%, ठीक है, एंटर। तो इस तरह से मैं सबके सब शॉर्टकट निकाल लूंगा। उसके बाद आता है नेट पे, तो अभी हमें नेट पेमेंट अगर निकालना है तो ग्रोथ सैलरी माइनस PF कर देने से निकल जाएगा। इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ग्रोथ सैलरी मतलब G3 माइनस और H3, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो इसी तरह से माउस को कोने के बटन पे रख के ओके बटन को क्लिक करके नीचे की ओर लेके आने से सबके सब निकल आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक दिन का पगार, है ना, एक दिन का सैलरी। तो अभी अटेंडेंस निकालना है, अटेंडेंस निकाला नहीं जाता है, अटेंडेंस देखा जाता है, ठीक है। एक महीने में कौन कितना दिन काम किया उसी का हिसाब है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सलमान खान जो है वो महीने का पूरा 30 डेज काम किया, शाहरुख खान जो है वो महीने में 28 डेज काम किया, ठीक है, आमिर खान जो है वो 26 डे काम किया, ठीक है, अक्षय कुमार जो है वो 27 डे काम किया, ठीक है, 24 डेज काम किया करीना कपूर ने, मान लीजिए, ठीक है, ये भी 24 डेज, माधुरी दीक्षित जो 26 डेज काम किया, ठीक है, और श्रीदेवी भी 26 डे काम किया, ठीक है। तो अभी इनको मंथली सैलरी देना है, ठीक है। और एक बात दोस्तों, डीए जो मैंने यहाँ पे 15% दे के रखा है, हो सकता है आपके ऑफिस में ये 15% ना हो, 12% हो, या फिर 10% हो, या फिर 8% हो, ठीक है। ये सब जो परसेंटेज दे के मैंने निकाला है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है अलग अलग के हिसाब से परसेंटेज देते होंगे, लेकिन निकालने का जो फॉर्मूला है वो यही है। आपको सिर्फ चेंज करना है अपने ऑफिस के हिसाब से, ये 12 की जगह पे अगर आपके ऑफिस में 15% देता है तो आपको 15 करना है, अगर 8% देता है तो आपको 8 करना है, ठीक है। तो मंथली सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो नेट पेमेंट है वो एक दिन का पगार है 1100 रुपीज़, ठीक है, और ये जो सलमान खान जी यहाँ पे अटेंडेंस दिखा रहा है वो 30 डेज काम किया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नेट पेमेंट को अटेंडेंस के साथ गुना कर देता हूँ, इंटू कर देता हूँ, तो मंथली सैलरी निकल आता है ना। तो उसके लिए इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, क्योंकि आई जो है वो नेट पेमेंट के लाइन पे है,
और थ्री टाइप करेंगे, i3 मतलब सलमान खान जी का नेट पेमेंट है वन डेज का, ठीक है। उसके साथ हम इनटू करेंगे अटेंडेंस को, अटेंडेंस जो है वो जे के लाइन पे है और किन का करना है सलमान खान का, मतलब j3, ठीक है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सलमान खान का एक दिन का सैलरी है 1100 रुपीज़, और अटेंडेंस वो 30 डेज पूरा काम किया और उनका मंथली पेमेंट हो रहा है 33,000, ठीक है। उसी तरह से हम शाहरुख खान का भी निकालेंगे, इक्वल देंगे i3 i4 इंटू j4 और एंटर। तो इसी तरह से हम शॉर्टकट भी निकाल देंगे सबके सब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सलमान खान जी को 33,000 सैलरी मिला है क्योंकि वो मैनेजर की पोस्ट में है और उनका अटेंडेंस 30 डेज है। शाहरुख खान जी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में है और उनका जो नेट पेमेंट है एक दिन का पगार है 880 रुपीज़, और उनका मंथली सैलरी होता है 24,640 रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरह से आप मंथली सैलरी भी निकालेंगे। उसके बाद एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मतलब आपका एनुअल आपके साल भर की कमाई, ठीक है। अगर आपके एक महीने की कमाई 33,000 है तो आप सबको पता ही है एक साल में 12 महीना होता है, तो अगर आपके सैलरी 33,000 है वन मंथ का तो यहाँ पे 12 के साथ गुना करेंगे, इंटू करेंगे तो आपके एनुअल इनकम निकल आएंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मंथली सैलरी मतलब k3 मतलब सलमान खान का मंथली सैलरी, ठीक है, इनटू 12 ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं सलमान खान जी का एनुअल इनकम निकल चुका है। तो हम अभी तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे शॉर्टकट निकाल दूँगा सबके सब, ठीक है। उसके बाद बनास जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है 20%, 15%, 12%, ठीक है, वो अपने हिसाब से दे देंगे। और किन के ऊपर दिया जाएगा, एनुअल इनकम के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। सलमान खान जी का बनास निकालना है तो सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बनास जो है एनुअल इनकम के ऊपर दिया जाता है, तो एनुअल इनकम जो है सलमान खान जी का L3 मतलब सलमान खान जी का एनुअल इनकम, ठीक है, इनटू और 20% ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो सलमान खान जी को अगर बनास मिलता है और 20% के हिसाब से मिलता है तो उनका बनास होगा 79,200 ओनली, ठीक है। तो इसी तरह से हम शॉर्टकट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको पसंद ना भी आया होगा, अगर आपको समझ में ना भी आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको फिर से क्लियर कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपके दिन शुभ रहे।